संभावनाओं से भरा शहर इंदौर, किस्मत को चमकाने वाला शहर इंदौर। ऐसे कितने ही रीजंस हैं जिसकी वजह से आज इंदौर सबकी पहली पसंद बन चुका है। पढ़ाई हो या नौकरी, कहते हैं एक बार जो इंदौर आ जाए वो हमेशा के लिए इंदौरी बन जाता है। शायद यही कारण है कि 2011 की जनगणना में इंदौर की पॉपुलेशन जहां 20 लाख थी वो आज बढ़कर 35 लाख या शायद उससे भी ज़्यादा हो चुकी है और 2030 तक ये 50 लाख भी पार कर सकती है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन तब भी एक समस्या थी और आज भी है। 2010 में BRTS को इसका सोल्यूशन माना गया था और आज 2020 में इंदौर में मेट्रो रेल चलाने की बात हो रही है। इंदौर में अगस्त 2023 तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच MOU हुआ है। कछुए की चाल चल रहा मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब रफ्तार पकड़ेगा और इंदौर भोपाल में 2024 तक मेट्रो ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ सकती है। तो टीम इंदौर टॉक के लिए मुद्दा ये नहीं है कि इंदौर में मेट्रो चलनी चाहिए या नहीं, इसके लिए तो हम इंदौरियों ने सरकार को चुन ही रखा है। हमारा मकसद आपको इंदौर मेट्रो के बारे में वो तमाम जानकारियां देना है जो आपके मतलब की हैं और आपके हित से जुड़ी हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं और मेट्रो रेल के इतिहास को शुरू से देखते हैं। दुनिया की पहली मेट्रो रेल लंदन में 1863 में चली, पर भारत पहुंचने में मेट्रो रेल को 121 साल लग गए। भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 में दौड़ी। मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन का इसमें अहम योगदान था, जिन्होंने 2002 में दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को भी लीड किया और रिकॉर्ड टाइम में मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। आज भारत के 13 ऐसे महानगर हैं जिनमें मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है और 7 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो रेल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंदौर उनमें से एक शहर है। इंदौर को हाल ही में मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये असल में होता क्या है? इंदौर को मिलने वाली मेट्रो की सौगात को समझने से पहले हमें इसे समझना जरूरी है। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाला वो क्षेत्र जिसमें एक या एक से अधिक जिले हों और दो या दो से अधिक नगर पालिकाएं और पंचायतों से मिलकर बनता हो, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगरीय क्षेत्र कहा जाता है। इंदौर को महानगरीय क्षेत्र घोषित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य मेट्रो रेल परियोजना ही है। मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने से इंदौर में मेट्रोपॉलिटन एक्ट लागू हो जाएगा, जिसके तहत अर्बन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मेट्रो रेल का काम भी अब आसानी से होगा। भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की संभावनाओं को देखते हुए इंदौर मेट्रो मऊ पीथमपुर तक चलेगी, इसीलिए मऊ पीथमपुर और इंदौर को मिलाकर 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का इंदौर महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है। आसान भाषा में कहें तो अब मऊ और पीथमपुर इंदौर का ही हिस्सा होंगे। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को आंकड़ों में समझे तो इंदौर मेट्रो परियोजना में 4 कॉरिडोर शामिल हैं जो 94 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग $1200 मिलियन आंकी गई है। हर कॉरिडोर में लगभग 6 कोच वाली मेट्रो रेल चलाई जाएगी जो अधिकतम 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकेगी। इंदौर मेट्रो के 4 प्रस्तावित रूट की बात करें तो रूट नंबर 1 को 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। रूट नंबर 1A जो कि औरबिंदो हॉस्पिटल कलेक्ट्रेट ऑफिस से इंदौर बाईपास तक का होगा, इसमें कुल 18 स्टेशन शामिल होंगे। वही रूट नंबर 1B कलेक्ट्रेट ऑफिस से रीजनल पार्क की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और इसमें कुल 13 स्टेशन शामिल होंगे। रूट नंबर 3 जिसे रिंग लाइन रूट भी कहा गया है, ये पूरे 4 कॉरिडोर में से सबसे लंबा रूट है। कुल 31.5 किलोमीटर का ये रूट जो कि पलासिया से शुरू होकर रेलवे स्टेशन, राजवाड़ा, एयरपोर्ट से भवरसाला, MR10 से वापस पलासिया की तरफ खत्म होगा, इसमें कुल 29 स्टेशन शामिल होंगे। रूट नंबर 4
जो कि MR9 से इंदौर रेलवे स्टेशन से वापस इंदौर बाईपास पर खत्म होगा। इसमें कुल 16 स्टेशन शामिल होंगे। एक अनुमान के मुताबिक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन इसमें सफर कर सकेंगे। सितंबर 2019 में इंदौर मेट्रो के पहले फेज की आधारशिला रखी गई, जिसके लिए रिंग लाइन कहे जाने वाले रूट नंबर 3 को चुना गया और जिसकी लागत 7,580 करोड़ रुपए आंकी गई है और 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रूट नंबर 3 की शुरुआत में ISBT से मुमताज बाग कॉलोनी का 5.25 किलोमीटर का रूट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंदौर मेट्रो की प्लानिंग 2013 से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया। इलेक्शन हुए, सरकार दोबारा बनी और मेट्रो रेल की फाइल सरपट दौड़ती हुई सरकारी अलमारियों से अपनी रूपरेखा बनाने लग गई। दिसंबर 2019 एक डेडलाइन तय की गई इंदौर मेट्रो फेज़ 1 के प्रोजेक्ट कम्प्लीशन की, लेकिन लेट लतीफ़ी और दिक्कतों का तो जैसे इंदौर मेट्रो से चोली नामन का साथ था। पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देरी हुई और फिर 2016 में जैपनीज फंडिंग एजेंसी जीका, जो कि इस इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को फंड करने वाली थी, बैकआउट कर गई और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम ठंडे बस्ते में चला गया। 3 साल बाद सरकार बदली और इंदौर मेट्रो की फंडिंग एजेंसी भी। दिसंबर 2019 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर मेट्रो के लिए 3,200 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया और इसी के साथ मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का क्रियान्वयन किया गया, जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की 50:50 जॉइंट वेंचर कंपनी बनी और इस तरह सन 2019 में इंदौर मेट्रो रेल की नींव रखी गई। इंदौर मेट्रो के अब तक के सफर की टाइमलाइन को देखें तो साल 2013 में मेट्रो रेल का सबसे पहला प्रपोजल रखा गया था। 3 साल बाद साल 2016 में कंसल्टेंट कंपनी द्वारा इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार हुई। जनवरी 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति दी और इस तरीके से इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हुई। उसके अगले साल अक्टूबर 2018 में इस परियोजना को केंद्र से हरी झंडी मिली। दिसंबर 2019 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कुल 3,200 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया। सितंबर 2019 वो तारीख थी जब इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 की आधारशिला रखी गई। वर्तमान में रूट नंबर 3 के 5.25 किलोमीटर का शुरुआती हिस्सा, जो कि ISBT से मुमताज बाग कॉलोनी का है, फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 कंप्लीशन का टारगेट फिलहाल दिसंबर 2024 तय किया गया है। हो सकता है बहुत से लोगों को इंदौर में मेट्रो रेल की आवश्यकता बेफिजूल लगे, मगर जिस हिसाब से इंदौर की बढ़ती जनसंख्या और सीमित क्षेत्रफल है, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चलकर शहर की सीमाएं बढ़ेंगी भी, जिसकी शुरुआत इंदौर को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करके कर दी गई है। इंदौर मेट्रो रेल से न केवल बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि रोड ट्रांसपोर्टेशन का भी बोझ कम होगा। साथ ही शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों के प्रॉपर्टी रेट्स में भी इजाफा होगा और लोगों को एक क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलेगा। आज कई कारणों से इंदौर मेट्रो का काम अन्य शहरों की तुलना में काफ़ी पीछे है। साल भर पहले ही इंदौर मेट्रो रूट्स पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ट्रैफिक बाधित है और जनता परेशान। पर इंदौर का रिकॉर्ड रहा है कि हम एक कदम पीछे लेते हैं ताकि रेस में फिर से आगे तेजी से बढ़ सकें। स्वच्छता इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 2016 में 150वें नंबर से इंदौर ने सीधे छलांग लगाई और 4 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 बना। तो इस बार टीम इंदौर टॉक का निवेदन इंदौर वासियों से ना रहकर इंदौर मेट्रो अथॉरिटी से है कि वे जल्द से जल्द इंदौर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करें और इंदौर के उज्जवल भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि तभी तो इंदौर बनेगा नंबर 1।